हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट टिप्स। मेरा नाम आयुष सिंह है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग स्लिप कैचेस में कैसे प्रोफेशन पा सकते हो। इतना दिन तक वीडियो नहीं बनाया तो सॉरी गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे और भाई पास हो चुका है अच्छे नंबर से। सो प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेट मी, ताकि और अच्छा और बेस्ट विशेस देना, ताकि और अच्छा जाऊँ आगे पढ़ाई में भी और क्रिकेट के फील्ड में भी और यूट्यूब में भी। सो आज मैं 3 ड्रिल्स आपको दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। सो पहला ड्रिल ये है कि आपको एक दीवार के सामने खड़े हो जाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा और आपको एक बॉल लगेगा। एक मिनट, बॉल आपको एक बॉल लगेगा। तो आपको इस ड्रिल में ये करना है, ये एक्चुअली स्टार्टिंग वाला ड्रिल है, सबसे इजी वाला लेवल। आपको थोड़ा डिस्टेंस रखना है बॉल से। अब आप जैसे स्लिप पोजीशन में खड़े रहना होता है, जैसे कि पैर थोड़ा फैला कर थोड़ा गैप रखना होता है, वैसे करके खड़े रहना, थोड़ा सा झुक जाना, क्योंकि स्लिप कैचेस में ज़्यादातर कैचेस नीचे ही आते हैं। आपको करना ये है कि आपको बॉल में जैसे ही मारोगे आपको हल्का सा झुक के उसे कैच करने का ट्राई करना है। और जब आप इसे ठीक से कर लोगे तो थोड़ा स्पीड आप बढ़ा सकते हो बॉल फेंकने का। तो ये अगर आप रेगुलरली करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इससे आप स्लिप कैचेस में जल्दी जल्दी कर पाओगे। और ड्रिल नंबर 2 के लिए ज़्यादा बंदे नहीं है आज भी, तो सिर्फ बोल देता हूँ। इसमें ड्रिल नंबर 2 और ड्रिल नंबर 3 में आपको साथी लगेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा ड्रिल नंबर 2 में, आपको ड्रिल नंबर 2 में ये करना है कि आपको ऐसे खड़े रहना है और अपना एक जो साथी रहेगा उसको बॉल दीजिएगा और वो फेंकेगा आपकी तरफ बॉल, और जैसे ही बोलेगा गो तो आपको ऐसे कूद के मुड़ना है और आपको कैच करना होगा वो। याद रखिए, समझिए कि बॉल मेरा पार्टनर है, उसके पास बॉल है और मुझे जब वो गो बोलेगा तो मेरे को फटाक से कूदना है और उसके बाद कैच करना है। वो कोई भी हाइट हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। और ड्रिल नंबर 3 है कि जब आप ये ड्रिल नंबर 2 और ड्रिल नंबर 1 जब अच्छे से कर लोगे तो ड्रिल नंबर 3 में यही बस होगा, वो पार्टनर जो रहेगा उसको ज़रा बोलिएगा कि वो बैट से आपको दे। थोड़ा और डिस्टेंस तब मेंटेन कर लीजिएगा, अब ऐसे ही खड़े रहिएगा। जब वो आपको बोलेगा गो, वो बैट से मारेगा उसको कैच देने के लिए, आपको इसे मुड़ना है और कहीं भी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, नीचे भी आ सकते हैं, तो आपको रेडी रहना होगा। तो यही आज के लिए, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।